Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. So I'm back with another review video, and today I'm going to review a very well-known product, which is Lactocalamine Lotion. Well-known होने के साथ साथ ये काफी पुराना भी है. Exactly तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 15-20 सालों से तो ये market में है ही. इतना पुराना होने के बावजूद मैंने इसको 3 साल पहले discover किया, जब मेरे face पे कुछ rashes हो गए थे. तो मेरी yoga teacher ने बोला कि आप एक बार इसको try करिए, and जब मैंने इसको try किया तो इसके result देख के मैं surprise रह गई. YouTube पे आपको लैक्टोकैलामाइन लोशन का कई सारा रिव्यू वीडियो मिल जाएगा, लेकिन सबका रिव्यू करने का तरीका अलग होता है. कोई कुछ कवर करता है तो कोई कुछ कवर करता है, तो कोई कुछ चीज मिस कर देता है, तो कोई कुछ चीज मिस कर देता है. लेकिन इस वीडियो में आपको इस प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो एवरी सिंगल डिटेल ऑफ दिस प्रोडक्ट, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. जिस प्रोडक्ट को आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये लैक्टोकैलामाइन का डेली फेस केयर लोशन. इसकी जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह से आती है. वाइट कलर में प्लास्टिक का इसका कंटेनर है, पर्पल कलर की इसकी कैप है, और यहाँ के फॉन्ट में पर्पल एंड ब्लैक कलर का यूज़ हुआ है. इसमें दो वेरियंट आते हैं, एक ग्रीन एक पर्पल. ग्रीन कलर जो है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है, पर्पल कलर जो है वो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए है. ये पीरामल ब्रांड का प्रोडक्ट है. पीरामल कंपनी के बारे में सभी जानते होंगे, ये एक इंडियन कंपनी है. एंड ये जो साइज़ ने सबसे छोटा साइज है, इसमें कई सारे साइजेस अवेलेबल है. जो सबसे छोटा साइज है उसका जो प्राइस है वो 75 रुपीज है, जिसमें आपको 30 ml की क्वांटिटी रिसीव होती है और जिसकी सेल्फ लाइफ है 3 इयर्स की. अब देख लेते हैं कि इसके फ्रंट पे इसके बैक पे क्या क्या चीजें मेंशन है. तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है लैक्टोकैलामाइन डेली फेस केयर लोशन, ऑयल बैलेंस, कॉलीन क्ले थेरेपी, एब्जॉर्ब ओनली एक्सेस ऑयल फॉर ऑयली स्किन. बस यहाँ पे इतनी चीजें ही मेंशन है. अब देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या क्या चीजें मेंशन है. तो इसके पीछे जो फॉन्ट है ना, उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है. बहुत ध्यान लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा. मतलब इतने छोटे फॉन्ट मैंने प्रोडक्ट पे नहीं देखे हैं कि मतलब पढ़ने में ही मुश्किल हो जाए. लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि पीछे क्या क्या चीजें मेंशन है. तो पीछे यहाँ पे सबसे पहले ब्रांड का नाम है लैक्टोकैलामाइन लिखा हुआ है. उसके बगल में जो चीज लिखी हुई है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. उसके बगल में लिखा हुआ है मेक योर ऑयली स्किन अ ब्लेसिंग, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है. एंड ये चीज सच है, पहले तो मुझे नहीं पता था कि ऑयली स्किन ज्यादा अच्छी होती है, बट अब ये चीज़ धीरे धीरे मैं रियलाइज़ कर रही हूँ. और उसके नीचे दो लाइन लिखी हुई है जो कि इसी से रिलेट करती है. तो उसके नीचे लिखा हुआ है ऑयल बैलेंस स्किन इज़ नेचुरली मॉइस्चराइज्ड विच डज नॉट क्रैक और फील स्ट्रेची एंड गिव्स यू अ यूथफुल लुक मेकिंग इट अ ब्लेसिंग. तो ये भी तो पढ़ने में आ गया, बट इसके नीचे और ज़्यादा छोटे हो गए हैं फॉन्ट. तो यहाँ पे एक बॉक्स बना है और इस बॉक्स में इसके इंग्रेडिएंट मेंशन है. इसके मेन इंग्रेडिएंट जो हैं वो 3 ही हैं, बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें मेंशन नहीं है. तो मैं बता देती हूँ कि ये तीनों इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं. एक तो है कॉलिन, जो कि इस पे इसके आगे लिखा हुआ है कंटेन नेचुरल मिनरल्स दैट एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल विदाउट रिमूविंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्किन. तो ये इसका जो काम है, जो कॉलिन इंग्रेडिएंट है, इसका जो काम है वो आपके जो सीबम प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा कम करता है. जो यहाँ पे ऑयल वगैरह आता है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, बट एक्सेस ऑयल को ही कम करता है. जो आपके स्किन का नेचुरल ऑयल है उसको कम नहीं करता है. अच्छा, ये जो कॉलिन है ना, ये एक क्ले है. इसका मास्क वगैरह भी लोग यूज़ करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था. लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया एंड स्पेशली जब मुझे इसका रिव्यू करना था, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की, तो पता चला कि कॉलिन एक क्ले है जिसका मास्क भी लोग यूज़ करते हैं. और ये इसी के लिए यूज़ किया जाता है जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो वो सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ऑयल को थोड़ा सा बैलेंस करता है. अब इसका देख लेते हैं कि सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है. तो सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है जिंक ऑक्साइड विद इट्स एंटी जर्म्स एंड प्रॉपर्टीज हेल्प्स अनक्लॉग पोर्स. तो ये क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन होगी तो उस पर पिंपल वगैरह तो होंगे ही, एक्ने वगैरह तो होंगे ही. तो ये एंटी जर्म्स, मतलब कि जो जर्म्स वगैरह, जिनको पिंपल वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जर्म्स वगैरह हो जाते हैं जिसकी वजह से फैलता चला जाता है या कहीं पे भी टच होता है, तो ये उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है. और दूसरी चीज़ पे लिखी हुई है ये अनक्लॉग पोर्स, तो ये आपके पोर्स को भी क्लॉग नहीं करता है, उसको बंद नहीं करता है. अच्छा, ये जिंक ऑक्साइड है ना, जो इसके बारे में जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता चला ये सनस्क्रीन में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एंड इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं.
तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन, अब आप लोग बोलोगे कि ऑयली स्किन के लिए है तो इसमें ग्लिसरीन क्यों यूज़ है, क्योंकि हम यही गलती करते हैं अक्सर। हम जब ऑयली स्किन हमारी होती है, तो मैंने भी ये गलती बहुत ज़्यादा की है, तो हमें लगता है हम ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ कर लें जिससे हमारा स्किन जो है वो उसका ऑयल निकल जाए एंड हमारी स्किन जो है वो फ्रेश फील हो। लेकिन इसी चक्कर में जो हमारे स्किन का नेचुरल ऑयल होता है हम उसे भी ख़राब कर देते हैं। धीरे धीरे हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने बहुत ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी और क्ले मास्क मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी ताकि मेरी जो स्किन में ऑयल है वो बहुत ज़्यादा ना आए, और जिसके चक्कर में धीरे धीरे मेरी स्किन जो है ना वो ड्राई होने लगी। फिलहाल अभी टी जोन पे तो ऑयली ही है, उतनी ही ऑयली है, लेकिन यहाँ लाइक जो फेस का दूसरा एरिया है वहाँ पे मेरी स्किन ड्राई फील होती है। तो अब मेरी स्किन ऑयली से कॉम्बिनेशन हो गई है। टी जोन मेरा ऑयली रहता है, बाकी का फेस जो मेरा है वो ड्राई रहता है। तो ये चीज़ इसीलिए इसमें ग्लिसरीन मिक्स है ताकि जो आपके स्किन का नेचुरल ऑयल है, जो नेचुरल हाइड्रेशन है, वो आपका बैलेंस में रहे, वो ख़राब ना हो। तो ये आपके स्किन में यही चीज़ लिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटेन्स नेचुरल मॉइस्चर प्रिवेंट्स एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ द स्किन। तो ये एक्सेसिव ड्राई करने से प्रिवेंट करता है। और उसके नीचे यहाँ पे कंपनी का नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। देन क्वांटिटी जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी, उसके नीचे MRP लिखा हुआ है। बाकी तो इसमें और कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से और बोलना चाहूँगी कि जो कैलामाइन होता है ना, वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन को सूथ करने में काम आता है। जो भी बहुत ज़्यादा स्किन इरिटेट हो जाती है या उस पर बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा जब डैमेज हो जाती है ना, तो उसके लिए कैलामाइन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। कई सारे डॉक्टर जो हैं वो इस इंग्रेडिएंट को बताते हैं। तो क्या हम करते हैं, हमको लगता है कि जो कैलामाइन इंग्रेडिएंट है वो इसमें मिल जाएगा क्योंकि इसका नाम लैक्टोकैलामाइन है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें कैलामाइन इंग्रेडिएंट नहीं है, इसका सिर्फ नाम लैक्टोकैलामाइन है, इसमें कैलामाइन नहीं है। और ये गलती मत करना, कैलामाइन की अलग से क्रीम्स वगैरह आती हैं, आपको उसे यूज़ करना है, आपको इसे यूज़ नहीं करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो, बहुत ही रनी इसकी कंसिस्टेंसी है, क्रीमी नहीं है, बहुत ही रनी है। अच्छा, इस पे लिखा भी हुआ है कि यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लें तो थोड़ा सा सही हो जाएगा, यू कैन सी। और इसमें थोड़ा सा पिंक कलर का टिंट है, थोड़ा सा पिंक कलर का टिंट है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो कलर आते हैं वैसा नहीं है। और ये हल्की सी कवरेज भी आपकी स्किन में देता है, बहुत ही हल्की सी, लाइक 5% कवरेज देता है। डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, हल्की सी आपको कवरेज भी मिल जाती है और आपका जो सीबम प्रोडक्शन है वो भी कंट्रोल हो जाता है, आपकी स्किन काफ़ी फ्रेश फील होती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके फ्रेग्रेंस की। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे काफ़ी पसंद है। इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ी सी पाउडरी फ्रेग्रेंस नहीं होती, जैसे पाउडर वगैरह के टैल्कम पाउडर जो होते हैं जैसे उनकी फ्रेग्रेंस होती है, वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा माइल्ड भी नहीं है, आपको पता चलेगी इसकी। अच्छा देखो, मैंने अभी अप्लाई किया और हाथ कितना मेरा फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी आपको शाइन तो बिल्कुल देखने को मिलेगी ही नहीं। एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, लैक्टोकैलामाइन को ओवरनाइट के लिए फेस पे लगा के छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई कर दे। अच्छा, जब मैं इसको लगाती हूँ, मैं हमेशा टी जोन में लगाती हूँ, मैं अंडर आई एरिया में तो इसको बिल्कुल भी नहीं लगाती क्योंकि जो अंडर आई एरिया होता है वहाँ की स्किन को हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पतली होती है, वहाँ पर मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। अगर आपको इसको लगाना भी है नाइट में, तो आप सिर्फ पिंपल या एक्ने जहाँ पर है ना वहाँ पर स्पॉट करके आप इसको लगा के ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, आपका पिंपल एक दो दिन में ठीक होने लगेगा। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है या घर पे ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 घंटों के लिए आपके फेस पे बिल्कुल ऑयल नहीं आएगा, बहुत ही फ्रेश फील होगा। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इसको अवॉइड करें एंड ओवरनाइट के लिए भी इसको अवॉइड करें। ओवरनाइट के लिए तभी यूज़ करें जब आपके फेस पे कोई पिंपल हो या एक्ने हो, लेकिन सिर्फ पिंपल या एक्ने पे ही इसको अप्लाई करना है, पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है। एंड अंडर आई एरिया को भी अवॉइड करें, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने इसकी सारी चीज़ें कवर कर ली है। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि मैं कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं बताऊँ या कोई भी बताए या डॉक्टर ही बताए, तो उस प्रोडक्ट का पैच टेस्ट ज़रूर लें।
आप उसको कहीं पे भी अप्लाई करके देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ही आप अपने फेस पे उसको अप्लाई करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना। बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा, उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।